आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Realme Narzo N65 में आप रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि रैम आप में स्टैंडर्ड रैम है तो उसे आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ले चुके तो अपने फोन डिस्प्ले पे, साइन पे पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको Realme Narzo N65 में रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रैम को बढ़ाना है सिंपली, इसके लिए क्या करना है, सेटिंग्स पे आ जानी होगी। अब आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी होगी। नीचे स्क्रॉल के आएगा तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है वॉट डिवाइस करके, ये वॉट डिवाइस पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करने के बाद रैम दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे रैम पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए आपका एक रैम एक्सपेंशन है वो इनेबल रहेगा, तो सिंपली आपको जितना रैम करना चाहते हैं, 4GB, 6GB, 8GB जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने 6GB है उसका यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, रीस्टार्ट नाउ करना है, जिसका क्या कि यहाँ पे आपका फोन है वो सही से चले, क्योंकि 8GB रैम बढ़ा लिए, अब फोन को रीस्टार्ट नहीं कीजिएगा तो आपको हो सकता है फोन में प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो सिंपली रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ और आके दिखाता हूँ सेटिंग्स में आके। सेटिंग्स पे आ जाइएगा। अब सेटिंग्स में आइएगा तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल के आइएगा और यहाँ पे देख लीजिए वॉट डिवाइस पे आ जाइए। इस पे आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए 8+ 8GB रैम बढ़ गया। ऊपर में यहाँ पे देख पाऊँ तो 8GB रैम भी आप बढ़ा सकते हैं।